हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और एग्जाम्स बहुत ही नियर हैं। आपको अगर नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8101065300। आप कुल कॉल या फिर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। आपको ये नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे मिलती रहे। बेल आइकन भी दबाना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है? तो चलिए फुल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो कि है डेफिनेशन बिटवीन द सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है एक्चुअली। तो इसको करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग की अगर बात करें तो सेल्स का मतलब क्या होता है? तो सेल का मतलब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सही रहेगा। हाँ ठीक है, ओके देन। सो सेल्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलिंग वेयर बाय प्रोडक्ट इज ऑफर्ड फॉर सेल टू द कस्टमर एट अ सर्टेन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो सेल का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेलिंग, ठीक है ना? आप जब तक अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर देते हो, उसके पहले जो भी आपको प्रोसेस करना पड़ता है, लोगों को समझाना, लोगों को बताना आपके प्रोडक्ट के बारे में, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो सेल के अंदर ही आएंगी, ठीक है ना? तो सेल का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेलिंग, जहां पे आप प्रोडक्ट ऑफर करते हो किसी कस्टमर को सेल के लिए एक सर्टेन प्राइस पे और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, मतलब एक साल के अंदर या जो भी है ना, तो वो चीज। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स इन सच अ वे दैट व्हेनेवर एनी न्यू प्रोडक्ट्स इज इंट्रोड्यूस्ड इट सेल्स इटसेल्फ, है ना? मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग ये कर लो कि कस्टमर को क्या चाहिए, ताकि जब भी आप उस कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट को लेकर के आओ तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केटिंग का मतलब ही एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करना आपके प्रोडक्ट का। तो जो प्रोडक्ट आप करो बनाओगे उसके पीछे भी लेकिन मार्केटिंग लगती है। मार्केटिंग का काम शुरू होता है कस्टमर के जो डिमांड है, जो नीड है, उसको समझने के साथ, है ना? आप पहले मार्केट में रिसर्च करते हो कि लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद है, आप देखते हो कि मार्केट में वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्यों नहीं अवेलेबल है, और आप उस प्रोडक्ट को बनाते हो, या अगर अवेलेबल है तो किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को और बेहतर बना करके बेच सकते हो, है ना? तो मार्केटिंग में ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। सेल में आप सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हो कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बिक रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग में आप कस्टमर ओरिएंटेड होता है। मार्केटिंग में आप कस्टमर को ठीक तरीके से समझ करके कस्टमर के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आप चीजों को करने की कोशिश करते हो। अप्रोच की बात करें तो सेल्स फ्रेगमेंटेड अप्रोच होता है। यहाँ पे बस किसी को भी सेल करने से मतलब है, कितने भी प्राइस पे सेल करने से मतलब है, कितने भी नंबर पे सेल करने के से मतलब है, लेकिन मार्केट में चीजें जो है इंटीग्रेटेड होती हैं। आपका जो अप्रोच है सेल करने का वो इंटीग्रेटेड होता है, शुरू से अंत तक आपका अप्रोच सेम होता है। सेल्स में ऐसा नहीं होता, सेल्स में बस ऊपर नीचे होती है, जब सीजन खत्म हो जाता है तो कम प्राइसेस में भी सेल हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे जो अप्रोच है वो फ्रेगमेंटेड होगा, मतलब टूटा टूटा रहेगा, लेकिन मार्केटिंग क्या होगा वो इंटीग्रेटेड होगा, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फोकस जो होता है कंपनी का, जो फोकस होता है वो मेनली सेल्स पे होता है। मार्केटिंग के केस में मार्केटिंग का फोकस मार्केटिंग के ऊपर होता है, राइट? रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, है ना? सेल्स में आपका जो रिलेशन है वो फ्लो ऑफ गुड्स से होता है कस्टमर्स के साथ, कि आप कितना फ्लो कर पा रहे हो कस्टमर तक, है ना? रिलेशन टू ऑल द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। मार्केटिंग में वो सारी की सारी एक्टिविटी आ जाएंगी जो कि एक तरीके से फैसिलिटेट करता है उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में गुड्स जो है वो कस्टमर के पास ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? तो मार्केटिंग में पूरा प्रोसेस आ जाएगा। ड्यूरेशन की बात करें तो सेल्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लेकिन मार्केटिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, मार्केटिंग काफी लंबी चलती है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टू इंस्टिगेट शॉपर्स इन सच अ वे दैट दे टर्न आउट एज बायर्स, है ना? आपको अपने शॉपर्स को, जो भी आपके पास आ रहे हैं चीजों को खरीदने के लिए, आपको कुछ इस तरीके से उनको इंस्टिगेट करना, एक तरीके से इंस्टिगेट को एक तरीके से भड़काना होता है, मतलब एक तरीके से उसको एनकरेज करना है कि आप जो है अपने सामान को ले लो, है ना? तो आपको इस तरीके से इंस्टिगेट करना है अपने ऑफर्स को, ताकि वो जो है आपके सामान को ले ले और आपको मना ना कर पाए। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड क्रिएट प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स, ठीक है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो प्रोडक्ट तैयार करोगे वो कस्टमर के नीड के, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग होगा, ताकि उनकी जो डिमांड्स है, नीड्स है, उसको आप पूरा कर सको, ठीक है? रिलेशनशिप की बात करें तो सेल में 1-to-1 होता है और मार्केटिंग में 1-to-many होता है, ठीक है? एक मिनट में थोड़ा इसको, यस। टारगेट की अगर बात करें तो सेल में इंडिविजुअल होता है या फिर तो स्मॉल ग्रुप होता है,
सेल में या तो इंडिविजुअल सामान बेचोगे या तो ग्रुप में सामान बेचोगे, लेकिन मार्केटिंग जनरल पब्लिक के लिए होता है, मतलब सभी के लिए होता है। स्कोप की बात करें तो सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यहीं पे एक स्कोप है। लेकिन अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, रिसर्च आ जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस आ जाएगा, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके मार्केटिंग में आ जाएंगी, है ना। मतलब सामान के बनाने के पहले से लेकर के मार्केट रिसर्च से लेकर के सामान सेल करने के बाद जो सर्विसेज दी जाती हैं, तब तक आपका जो है स्कोप पूरा रहता है। मतलब तब तक आप मार्केटिंग करते हो, तब तक आपको मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक्टिविटी की बात करें तो कस्टमर ड्रिवन होता है सेल्स, लेकिन जो मार्केटिंग होती है वो मीडिया ड्रिवन होता है। मार्केटिंग तभी हो सकता है जब आप उसका एडवर्टाइजिंग करोगे, जब आप उसका प्रमोशन करोगे डिफरेंट डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे, ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे पुश स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है सेल के केस में, वेयर एज मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पुल स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स दिखा करके, अट्रैक्टिव प्राइसेस दिखा करके आप पुल करने की कोशिश करते हो, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम पुल स्ट्रेटेजी बोलेंगे। सेल में आप पुश करते हो, आप लोगों को एक तरीके से बताते हो कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है और आप इसको परचेस करो, तो आप उनको पुश कर रहे हो कि तुम मेरे सामान को खरीदो, इसलिए ये पुश स्ट्रेटेजी है और मार्केटिंग पुल स्ट्रेटेजी है। प्रोसेस की अगर बात करें सो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। सेल के केस में जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है तो वहाँ एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया जाता है, मतलब उसके बदले पैसे दिए जाते हैं, तभी आप अपने गुड्स को बेचते हो, राइट। वेयर एज अगर हम मार्केटिंग के केस की बात करें तो इंटेल्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई और सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो उसके नीड को, है ना। रूल की अगर बात करें तो केवेंट एम्प्टर होता है, यहाँ पे केवेंट वेंडर होता है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो मेन फोकस है वो सेल के तरफ होता है, जो सेल कर रहा है उसके तरफ होता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो मेन फोकस कस्टमर के ऊपर होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे प्राइस प्रमोशन, डिस्काउंट एंड स्पेशल ऑफर्स दिए जाते हैं सेल करने के केस में। मार्केटिंग में कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द नीड्स ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग में आप डायरेक्टली रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हो विद एवरी इंडिविजुअल, एवरी प्रोस्पेक्ट बायर, उन सब के साथ आप एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे सेल के केस में प्राइस प्रमोशन, डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर्स, ये सारी चीजें जो है टेक्निक अपनाई जाती है। स्किल की बात करें तो सेलिंग एंड कन्वेंशनल स्किल काफी होती है सेल के केस में, लेकिन मार्केटिंग में एनालिटिकल स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे चीजों को तो दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। एम्स किस चीज में होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। जो सेलिंग होती है उनका मेन प्रॉफिट होता है सेलिंग करने वालों का कि वो किसी तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा जब आप सेल को मैक्सिमाइज कर पाओगे। मार्केटिंग का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, बट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ। पहले वाले में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सेल ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे वाले में कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये उनका मोटो है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जहां पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है सेलिंग एंड मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखो। बाय। थैंक यू।